देखिए 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 और क्या दे रखा है देखो, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल जो गिवन दे रखा है रेडियस 32 सेंटीमीटर, सेंटर हमें नहीं दे रखा है कहीं, उसके बाद दे रखा है ना उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और जो डिजाइन बना पड़ा है उसकी टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग? अब आप देखिए, आपको पता है यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच एंगल 60 का होगा, कितने का होगा? उसी सेम पॉइंट में अगर मैं सर्कल के साथ सेंटर के साथ ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, इसका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 120। आपने 9th में पढ़े हो ऑलरेडी दोनों में, ठीक है? अगर ये 120 है ये 60 होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा ऐसे, लेकिन यहां तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 है तो ये 120 हो जाएगा। अब बी ओ बी पी सी एक सेक्टर है, क्या ये सेक्टर है और यहां से लेकर यहां तक एक सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने कर दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब इस पर्सन का मुझे एरिया निकालना है तो मुझे पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे माइनस करनी है और वो तीन भाग है, तीनों पार्ट है, मैं तीन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन शुरू में नहीं करना चाहते हो, बाद में आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, मैंने बोला जो 90 से ऊपर हो क्या फॉर्मूला लगाना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, थीटा हमारा 120 दे रखा है, 120 मतलब हो गया 60 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो, और 120 डिवाइड बाय 2 हो गया 60, साइन 60 हो गया √3/2, कॉस 60 हो गया 1/2 और 32 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर दोनों में है, मैं उसको बाहर कॉमन ले लिया और जो बचा ये मेरा सेम है, ये भी मेरा वही उतार दिया। अब एलसीएम सबका ले लिया, उसको मैंने जो जो कट रहा था उसे काट दिया और उसके बाद ये एक का एरिया सपोज मैंने इसको काटा में इतना रह गया तो 3 का एरिया कितना होगा, फिर उसके 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन सभी नंबरों को एक साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इस सभी नंबरों को एक साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया क्या होता है? मैंने ये 7 को दोनों के साथ है, इसका मतलब एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, क्या बच गया 32 × 8 और इधर हो गया 88/7 माइनस 21 √3/7, 7 से कट जाएगा 3 √3, तो इससे ये मल्टीप्लाई कर दो और इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी योर आंसर। दोबारा सर्कल में बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 हुआ, 60 की 2 टाइम्स 120 होगा और उसके बाद क्या करना है इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो जो आया, एक का एरिया आ गया और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया?